दमोह जिले में रहने थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से छेड़छाड़ और विरोध करने पर उसके साथ मारपीट करने का मामला सामने आया है। घटना के बाद परिजन पीड़ित को सिविल अस्पताल हटा लाए, जहां उसका इलाज जारी है। खबर लगते ही चाइल्ड लाइफ और महिला बाल विकास की टीम भी हटा अस्पताल पहुंची, जहां नाबालिग लड़की और परिजनों से घटना की जानकारी लेकर बयान दर्ज किए गए हैं। पीड़िता और परिजनों ने रने थाना पुलिस पर कोई कार्रवाई नहीं करने के आरोप भी लगाए हैं। मामला सामने आने के बाद भले ही अब पुलिस के बड़े अधिकारी जांच की बात कर रहे हों, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि नाबालिग छात्रा से छेड़छाड़ जैसी गंभीर घटना के बाद भी रने थाना पुलिस ने मामूली कार्रवाई कर इतिश्री कर ली। पीड़िता के परिजनों को हेल्पलाइन और मीडिया की मदद लेनी पड़ी, तब जाकर कहीं वरिष्ठ अधिकारियों ने मामले को गंभीरता से लेकर जाँच शुरू कराई है। कोचिंग जाती थी तो उसने छेड़छाड़ की और उसको मारा पीटा, तो पापा दौड़े, उसने आवाज लगाई और फिर हम लोग थाने गए। तो थाने में जो बच्ची ने बोला तो वो मैडम ने नहीं लिखा, इसलिए तो फिर कहने लगे आप बच्ची को डराया धमकाया, तो इसलिए वो नहीं बोल दिया। तो उसने दवा में इतनी बार बोल दिया। तो क्या बच्ची ने क्या बताया, क्या मामला है? बच्ची ने बोला कि मैडम मेरे को उसने छेड़छाड़ की और सो मारा है, इसलिए तो मैडम कहती आप ऐसी मत बोलो, डर में नहीं बताया। उन्हें आई हूँ, 10-24 घंटे वाली सेवा है जो बच्चों के लिए काम करती है, बच्चों के संरक्षण के लिए काम करती है। आज जो केस आया है 10-8 पर की जानकारी प्राप्त हुई, हम लोगों ने अस्पताल का विजिट किया है, अब देखते हैं क्या होता है। कहाँ का मामला है, किस थाने का? ये रहना, क्या क्या निकल के अभी तक? क्या अभी तो कार्रवाई शुरू कर रहे हैं, अभी रिपोर्ट दर्ज करानी है। बालिका की हालत थोड़ी सी खराब है, हमारी बच्ची के साथ छेड़छाड़ हुई है और मार्केट भाई क्या नाम से कोचिंग जा रही थी, 7:00 के टाइम है और बच्ची ने आवाज़ लगाई तो हम भी दौड़े बचाने के लिए, दौड़े तो हर्ष चौबे ने हमको मारा, बच्ची को पटक के मारा है और बच्ची के साथ छेड़छाड़ उठी सीधी मतलब हाथ का उपयोग किया गया है। बच्ची ने आवाज़ की तो हम दौड़े तत्काल, इसके बाद में हम थाने गए उसको लेके, तो तत्काल कम से कम 1 घंटे बाद पुलिस आई और थाना प्रभारी आए, उसके बाद में हमारी बच्ची की सुनी, जो चार बातें सुनी, उसके बाद में हमने वीडियो बनाया। तत्काल बच्ची हमारी घबराई थी उस तरीके से, बच्ची क्योंकि बोल ली भाई, संग साथ में उन्होंने हमको भी खड़ा किया बच्ची बगल में, और बच्ची तरीक़े से बोल नहीं पाई ना तरीक़े से पर लिख पाई।